नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम चार सीमेंट रिलेटेड स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। चर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद देते हैं। हम दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और हमारे वीडियो एजुकेशनल पर्पस होते हैं। आप इन्वेस्टमेंट से पहले अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिएगा। आइए दोस्तों अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा शुरू करना चाहूंगा इंडिया सीमेंट से। तो इंडिया सीमेंट्स को लेके एन श्रीनिवासन जी का इंटरव्यू आया था कि इसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं, रेन्स हो गई थी और वायरस के वेरिएंट की वजह से सीमेंट इंडस्ट्री में क्या हुआ था। यहां पे देखिए, हैड लुक प्रॉमिसिंग अंटिल इंफ्रा स्पेंडिंग हैड टू बी पुट ऑफ एंड सप्लाई चेन्स गॉट डिस्टर्ब्ड। मतलब सही सब कुछ चल रहा था बट एकदम से फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो श्रीनिवासन जी को लोग धोनी के केस की वजह से ज्यादा जानते हैं बट आप लोग को पता होगा कि ये इंडिया सीमेंट्स के भी मालिक है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि और क्या न्यूज चल रही है, तो यहां पे देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं स्टीपर करेक्शन इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया इन नवंबर। जो डिमांड काफी कम हो गई थी नवंबर में, इसी वजह से हमारे जो आप कह सकते हैं कि सीमेंट्स की प्राइसेस में करेक्शन आया गया था। तो यहां पे देखिए ऑलमोस्ट 3% के पास का हमें करेक्शन देखने को मिला था। तो डिमांड ग्रोथ इन सीमेंट फिजिंग आउट, इसी वजह से अभी सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स आप कह सकते हैं काफी अच्छी प्राइसेस पे अवेलेबल है। अब देखिए इंडिया सीमेंट की मैं बात करूं तो इसका आज का लोएस्ट था 170, तो वही आप इसको सपोर्ट मान के ले चलते हैं क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट इसका आएगा 160 के पास का। तो वहां पे थोड़ा शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में ना रहे और मार्केट भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं गड़बड़ माहौल में चल रही है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस रखिएगा 167-168 रुपीस का। और टारगेट्स दोस्तों जो हमारे रहेंगे वो पहला टारगेट रहेगा 190 का, दूसरा टारगेट रहेगा 205 रुपए का और मैक्सिमम हम 230 रुपीस तक एम करके चलेंगे। अगर मैं दोस्तों ओरिएंट सीमेंट की बात करूं तो सेंट्रम ब्रोकिंग ने इसे 220 रुपए का टारगेट दिया था करीब एक महीना पहले। अरिहंत कैपिटल ने अभी कुछ दिन पहले से 238 रुपीस का टारगेट दिया है। और आइए देख लेते हैं हम चार्ट्स पे कहां है। तो चार्ट्स पे ये स्टॉक देखिए, इसका यहां पे देखिए एकदम क्लियरली आपको यहां पे दिख जाएगा कि एक अच्छा सपोर्ट है। मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, पहले ये आपका स्टॉक यहां पे करीब करीब रेजिस्टेंस था, यही एरिया सपोर्ट की तरफ बिहेव कर सकता है। तो 145 के आसपास का आप इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों वो पहला टारगेट 165 से 170 और दूसरा टारगेट हम 184 के पास का लेके चलेंगे। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो आप 220 रुपए तक जा सकते हैं, बट इस स्टॉक में मैं लॉन्ग टर्म की पर्सनल सजेशन नहीं दूंगा। और अभी जो सीमेंट इंडस्ट्री की हालत है उसमें आप प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग मत करिएगा। स्टार सीमेंट की मैं बात करूं दोस्तों तो सेंट्रम ब्रोकिंग ने इसे 118 रुपए का टारगेट दिया है। चार्ट पे मैं देखूं तो ये स्टॉक काफी वीक दिख रहा है, 120 रुपए से काफी गिरावट हो चुकी है, 93 तक पहुंच चुका है और 88 भी पहुंचा था एक दिन। अभी ये स्टॉक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास खड़ा है, तो आप 86-87 रुपीस के स्टॉप लॉस के संग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा रहेगा करीब 100 रुपए के आसपास, उसके बाद हम 105 और मैक्सिमम हम 118 या 120 रुपए तक एम करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलिएगा 87-88 रुपीस के पास का। आइए अब मैं अगर अंबुजा सीमेंट को लेके बात करूं दोस्तों तो इस ये आज को लेके काफी एनालिसिस हुई है, अंबुजा सीमेंट और अल्ट्राटेक सीमेंट में कौन सा बेटर है। फंडामेंटली दोनों ही अच्छी कंपनियां हैं तो कौन सा बेटर है। पर्सनली फंडामेंटली मुझे अल्ट्राटेक ज्यादा पसंद है क्योंकि वो निफ्टी 50 का पार्ट है, तो सीमेंट प्रोडक्शन इंडिया में काफी अच्छा चलता है। अंबुजा सीमेंट में मैं देखता हूं कि ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं, तो इन्होंने 464 का टारगेट दिया है और सीएमपी जब इसकी 375 थी कुछ दिन पहले, करीब 4-5 दिन पहले। और अगर मैं देखूं दोस्तों ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी उसके ऊपर अजीत मिश्रा जी ने बताई है, तो आइए देख लेते हैं कि उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। अंबुजा सीमेंट्स में इन्होंने कहा है कि 381 और 383 के आसपास जब ये स्टॉक जाए तो आप इसको बाई कर ले क्योंकि उसके ऊपर इसमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि आप लेके चल सकते हैं। सॉरी, यहां पे इन्होंने सेल रेटिंग दी है कि आप 381 से 383 के बीच में सेल करिए, 365 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस। उसका मेजर रीजन ये बताया कि सीमेंट स्टॉक्स में वीकनेस चल रही है और काफी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है।
एक जो पॉजिटिव न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों वो ये है कि ACC और अंबुजा सीमेंट्स ने कोलैबोरेट किया है लो कार्बन सीमेंट बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ। चार्ट पे मैं देखूं दोस्तों तो इसने यहाँ पे देखिए ये अपना जो 365 पहले ये 3 यहाँ पे 390 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको तोड़ा, फिर 365 एक सपोर्ट था उसको तोड़ा, अभी 350 रुपीज़ पे है। तो आप इसमें दोस्तों 335 रुपीज़ का मेरा मानना है बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिएगा और टारगेट्स आप जरूर इसमें 380, 400 और 440 तक लेके चल सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ये ट्रेंड लाइन थी जो कि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से आप कह सकते हैं फॉलो कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे देखिए इस स्टॉक ने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 390 के आसपास इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जिसने इसको तोड़ा और उसके बाद अब इसमें नई तेजी आपको 400 रुपये के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए ये 390 काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया ऑलरेडी बन चुका है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी सीमेंट स्टॉक्स में काफ़ी बेहतरीन है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया पे फॉलो करिए, ट्रेडिंग बुल्स के नाम से पेज है हमारा, अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।